डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, मेरठ के कंकड़खेड़ा थाना अंतर्गत खुर्द गांव में शुक्रवार की सुबह कार सवार बदमाशों ने पूर्व में स्ट्रीट सीटर रहे निरंकार के पुत्र प्रयाग को गोली मार दी। निरंकार ने इस घटना के बाद गांव के ही सन्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। गोली मारने वाले बदमाशों में से एक ने मास्क लगाया हुआ था, जबकि बाकी दोनों के चेहरे साफ देखे जा सकते थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रथम दृष्टया मामला जमीन के पैसों को लेकर चले आ रहा विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल जांच जारी है। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी ने यह जानकारी दी। तभी उसी समय लगती पापा की गोली, बट वो जो है गेट खोल के बड़ा मार कर मेन गेट खोल के और वो मंदिर में चले गए। मैं वैसे वैसा नहीं कर रहा था, तो मैं अपना दीवार कूद के भाग गया। उन्होंने मेरे ऊपर भी 7-8 राउंड फायर करे, और इतने में फिर वो बाहर निकल के भी उन्होंने 6-7 राउंड फायर करी। जो घर में लेडीज थी वो सारी हमेशा कही सनी का करान कौन है ये हमारे गांव का ही है। अच्छा, क्या मामला है इससे? मामला ये है कि जमीन ली थी इसकी, और जमीन लेने पर एक बाद में मना कर लगे कि हम जमीन बेच नहीं रहे, तो मगर पैसे दे दो भाई, पैसे देने को जगह कर लगेगा, हमें उस चीज़ के पैसे देने, उस चीज़ के पैसे नहीं देने के, और हमारी जमीन ऐसी वापस करो, बैनामे के पैसे नहीं देने के। फिर क्या हुआ? फिर मैं कहूँ ये बैनामे के पैसे देने, तुम जमीन वापस नहीं करना। बुआ जी ने जमीन ली थी हमारी, तो फिर ये बाद में इन्होंने फिर फैसला कर लिया, जो इनके पैसे बचे हुए थे 3-4 लाख रुपये, उन्होंने लेकर 7-8 महीने पहले फैसला कर लिया। इसकी माँ ने हमारे तहसील में माफ़ी भी मांगी। इससे पहले भी एक बार उसने जो हमारे घर पकौड़ी चलाई, तो इसकी माँ ने उसके बाद में हमसे माफ़ी मांगी, कहने लगी कि भाई ये गलती होगी, आज के बाद नहीं होनी गलती, और आज से हमारी तुमसे कोई जो है दुश्मनी नहीं है, कोई हमारा तुम्हारा विवाद नहीं है, हमारा फैसला हो गया, जमीन के पैसे हमारे वापस आ गए, मतलब जमीन के पैसे हमारे आ गए सारे, हमें कोई जो है तुमसे कोई विवाद नहीं। तो उसके बाद भी रंजीश रखते रहे आप लोगों से? हाँ, वो सब देख लो, मेरे करा जा रहा है और किसका करा जा रहा है, रंजीश की करा ली। भाई भर्ती कहाँ करा है? न्यूट्रीम हॉस्पिटल में, कैलाश में ले गए थे, कैलाश वाले ने न्यूट्रीम में रेफर कर दिया। कितनी गोली लगी? 7-8 गोली लग रही है। कितने राउंड फायर हुई? फायर हुई है जिसने 20-22 राउंड तो भाई पर फायर हुई है, 7-8 राउंड हुई मेरे में, 30-35 राउंड भर गए। नहीं, बच्चे की मेरी वाइफ खड़ी थी यहाँ पर, छोटा वो बड़े वाला लड़का खड़ा था, मतलब उन का पूछते हैं। एक ने वो मास्क लगा रखा था, दो बिगर मास्क के। देखिए, अभी तहरीर कोई नहीं दिया है, कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र का मामला है, इसमें सनी काकरान का नाम आ रहा है, जो कि क्रिमिनल, उसके क्रिमिनल हिस्ट्री भी है काफ़ी, और प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि उसके फादर ने एक व्यक्ति को ज़मीन बेची थी जो शायद बहुत कम दामों पर बिक गई थी, और उससे वो क्षुब्ध था, इस वजह से जो अभी तक की जानकारी के अनुसार इस वजह से गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई, अभी वो हॉस्पिटलाइज है और इलाजरत है। सभी कारण में 1 लाख का इनाम है, क्या जो एक घायल है प्रयाग इसकी मुखबरी कर रहा था, ऐसा शक था सभी को? नहीं, ऐसा अभी तक कोई शक नहीं है कि इसकी मुखबरी वगैरह का, जो इसके पीछे रंजिश आई है वो यही है कि ज़मीन इसके फादर ने बेचा था जो आक्रामक पक्ष है, और उसको लग रहा था कि बहुत कम दामों में बेच दिया है, इस चीज़ को लेकर के अभी तक की जांच में यही आया है, बाकी आगे और चीज़ें की जाएंगी। अभी ये घर वालों ने कोई तहरीर नहीं दिया है, लेकिन जो पुलिस ने अभी तक की जांच की उसमें से लगभग 3 की संख्या बताई जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।